और मीडिया के हमारे का स्वागत है, आपका अभिनंदन है। छोटे से इस स्पैन में आपको बुलाया गया, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री श्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी हर ज़िले में जो है राहत आपदा में जो प्रभावित लोगों को राशि वितरण करने का जो कार्यक्रम है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। बहुत सारे ज़िलों में उनका कार्यक्रम हो चुका है और 6 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री जी का नाहन का जो है कार्यक्रम है, वो नाहन में आएंगे। नाहन चौगान में जो है वीडियो रूप से कार्यक्रम जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के विधायकगण, सभी वरिष्ठ लोग और ज़िला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी जो है उपस्थित होंगे और एक बहुत बड़े जनसमूह के रूप में जो है मुख्यमंत्री जी का जो है स्वागत किया जाएगा। एक बात ये थी। दूसरा जो है वो हमारी सरकार का जो है 1 साल का कार्यकाल जो है पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में धर्मशाला में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कोई लगभग 30,000 लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रमुखों ने उसके बाद हाल ही में मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 जनवरी को फैसला किया है कि एक नया कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है, जिसमें सभी मंत्रीगण और हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस के विधायकगण जो है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने ज़िले में जो है वो हर जगह, हर पंचायत में, दो दो पंचायत में एक एक कार्यक्रम रखेंगे और विधिवत रूप से जो सरकार की उपलब्धि है, सरकार की जो वायदे किए थे और जो हमारी आज तक की जो कार्यक्रम है, नीति है, उसका जो है उल्लेख जो है गांव में जा जाकर के करेंगे, ताकि सरकार का जो प्रचार और प्रसार जो है वो ठीक ढंग से जो है निचले स्तर पे, गांव के स्तर पे जो है वो पहुंचे। 8 तारीख को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो कार्यक्रम है सरकार गांव के द्वार, वो मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा किया जाएगा विधिवत रूप से। उसके बाद 8 जनवरी से लेकर के ये जो है 12 फरवरी तक जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ये कार्यक्रम अलग अलग विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा जो किए जाएंगे, और एक मौका मिलेगा जो हमारी चुनी हुई सरकार और जनप्रतिनिधि है वो आम आदमी तक पहुँच सके, गाँव तक पहुँच सके, ताकि उनकी उस गाँव में चाहे वो सामूहिक समस्या है, चाहे वो निजी समस्या किसी भी व्यक्ति की है, वो सरकार के समक्ष आए और सरकार उसका विधिवत रूप से जो है वो निपटारा करे है। सरकार की हमारे बहुत उपलब्धियां है, हमने जो वायदे किए हैं, सबसे बड़ा ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को हमने जो है वो दी है। दूसरी चीज़ जो है, हमने कहा था कि हम रोज़गार पैदा करेंगे नौजवानों के लिए, उसके तहत जो है मुख्यमंत्री ने जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसमें इलेक्ट्रिकल गाड़ियां सरकार लेगी और 50% गाड़ियों की सब्सिडी सरकार देगी और उसी गाड़ी को किराए पे सरकार लेगी और 4 साल तक जो है वो उसको किराए 50,000, 60,000, 70,000 के रूप में नौजवान को दिया जाएगा। एक नई स्कीम जो है वो मुख्यमंत्री जी ने भी स्टार्ट की है, सोलर जो है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की है, छोटे छोटे 100 किलोवाट है, 200 किलोवाट और 500 किलोवाट तक के सोलर पावर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने में जो नौजवान हैं और बेरोज़गार है, जिनके पास ज़मीन है, अगर 100 किलोवाट ने किसी ने लगाना है तो उसके पास 3 बीघे ज़मीन होनी चाहिए, चाहे उसकी ज़मीन होगी चाहे वो लीज पे ले ले, और उसकी इक्विटी जो है उसको केवल जो है वो 4 लाख रुपये देना, बाकी इक्विटी जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सरकार देगा, और उसको जो है आमदनी जो है उसको आमदनी ये मान के चले कि उसको ये मान के चले कि उसकी जो आमदनी है वो कोई 20,000 रुपये जो है उसकी फिक्स इनकम होगी, फिर 20,000 रुपीज़ होगी पर मंथ, पर महीने की होगी, और अगर वो उसका जो है 200 किलोवाट का होगा तो 40,000 होगी, अगर 500 किलोवाट का होगा तो उसकी फिक्स इनकम 1,00,000 रुपये प्रति महीना होगी। ये स्कीम्स जो है मुख्यमंत्री जी ने दो, हमने जो कहा था कि हम नौजवानों के लिए रोज़गार का जो है वो क्रिएट करेंगे। हमने ये भी कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को जो है वो नौकरियां देंगे।
अभी हाल ही में पिछले एक साल के कार्यकाल में लगभग 20,000 के करीब जो नौकरियां हैं, पोस्टिंग्स हैं, पोस्टें हैं, वो कैबिनेट द्वारा क्रिएट की गई हैं और बहुत सारे में इंटरव्यू का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, जिसमें से कुछ 6,500 के करीब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, 4,500 आईपी डिपार्टमेंट में मल्टीटास्क वर्कर है, पंप ऑपरेटर है, फिटर है, इनकी इनकी पोस्टें हुई है। 2160 पोस्टें जो है वो हर हिमाचल प्रदेश की हर बीट में, फॉरेस्ट बीट में एक वन रक्षक के रूप में रखा जाएगा, जिसको 10,500 रुपये के करीब जो है वो उसको तनख्वाह दी जाएगी। इसी तरह से कोई 1260 के करीब जो है वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है, 900-950 के करीब जो है पटवारियों की भर्ती होने जा रही है। और अगर हम ये सारे का सारा आंकड़ा जोड़ दें तो ये और बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में है, आयुर्वेदा में 145 डॉक्टरों की नियुक्ति होने जा रही है, और एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, 50-100 करके, तो लगभग ये आंकड़ा जो है वो 20,000 के करीब बनता है, 20,000 के करीब बनता है। और हमने जो वायदा किया था कि हम जो है जो रुकी हुई भर्तियां हैं, सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा था उसको बहाल किया गया है, और नौकरियों की भर्ती में जो है अभी जो है वो बहुत तेज़ी जो आएगी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिरमौर के सभी कांग्रेस के लोग और आम जनता को हम आमंत्रित करते हैं कि वो 6 तारीख की जो रैली है नाहन चौगान में होगी, सब लोग उसमें उपस्थित आए, मुख्यमंत्री के विचार सुनें और उसमें पार्टिसिपेट करें। एक हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो जिला सिरमौर का हाथी वाला मुद्दा था। हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने इस मुद्दे को समाधान करके जो है वो हल किया और आज हिमाचल ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को एसटी का दर्जा दिलाया है। बहुत लंबे अरसे से लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। समय समय पर इसको हिमाचल विधानसभा से भी उठाया गया, प्रदेश की कांग्रेस की सरकारों ने भी उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उन्होंने भी केंद्र को इसको भेज करके और केंद्र ने इसको किया है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि होने के बावजूद भी उसके बाद भी जो है वो इसमें बड़ी गंदी राजनीति खेली गई है। और जब ये 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया था, कैबिनेट ने स्वीकृत किया, और उसके बाद दिसंबर के महीने में जो है विंटर सेशन, लोकसभा के विंटर सेशन में इसको पास किया गया था, और उसके लोकसभा के पास होने के बाद जो है 8 महीने बाद इसको राज्यसभा से पास किया गया है। तो इस सारे प्रोसेस को होने में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 साल का समय लगा है। अमूमन जब भी कोई बिल पास होता है, जब उसको लोकसभा से पास किया जाता है तो 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर उसको राज्यसभा से भी पास कर दिया जाता है, मगर ट्रांसगिरी वाले केस में, हाटी के केस में ऐसा नहीं हुआ है। विलम्ब हुआ है, क्यों हुआ है ये एक अलग बात है, मगर मैं इस पर नहीं जाना चाहता, पिछले चीज़ों का मैं पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता। मगर जब 22 अगस्त को हिमाचल, चाहे किसी भी सरकार का, चाहे केंद्र चाहे हिमाचल सरकार का, वो किसी भी चीज़ को लागू करने से पहले लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली जाती है, जब वो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली गई तो उसमें उन्होंने त्रुटि पाई कि जो बिल जो हिमाचल सरकार ने प्रपोजल केंद्र को भेजा था उसमें SC बरादरी को उससे एक्सक्लूड किया गया था, और जो पार्लियामेंट में भी और राज्यसभा में भी जो बिल पेश किया गया उसमें SC बरादरी है, SC के लोग हैं, उनको भी उससे एक्सक्लूड किया गया था। मगर जब वो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई उसमें उसको SC को एक्सक्लूड नहीं किया गया था, उसमें ये लिखा था ऑल हार्टीज ऑफ ट्रांसगिरी एरिया, जिसका मतलब है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो ST बना दिया गया। हिमाचल सरकार ने केंद्र को पत्र लिख करके उसको कहा और कहा, स्पष्टीकरण की मांग की गई। 2-3 महीने का समय निकल गया, हिमाचल सरकार ने फिर चिट्ठी 2-3 रिमाइंडर लिखे, मगर केंद्र से उसका जवाब नहीं आया। उस बीच में यहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है, विशेष करके यहाँ जिला सिरमौर में हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ और ऐसे ऐसी भद्दी बातें मन से हाथी सीखी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार द्वारा विशेष करके मुझे टारगेट करने की कोशिश की कि उन द्वारा इसको रोका गया है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 30 दिसंबर 2023 को केंद्र से स्पष्टीकरण आता है और हमारे मुख्यमंत्री जी
और हिमाचल सरकार विद इन 12 आवर्स उसको इम्प्लीमेंट करके जो है लागू कर देती है। और हमने बार बार कहा इस बात को, और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा बार बार इसको, कि केंद्र से जैसे स्पष्टीकरण आया जाए विद इन 24 आवर हम इसको लागू कर देंगे। जो हमने वायदा किया, हमने जो कमिटमेंट की, हमने उसको पूरा किया। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो कीचड़ उछाल रहे थे दूसरों के और हिमाचल सरकार को दोषी बना रहे थे, आज वो बताएं कि आज किसका दोष है, किसने विलम्ब किया है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार को ये पत्र सितंबर में लिखा, अगर ये हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाता, हम इसको लागू कर देते। और बहुत सारे लोगों का तो मानना था कि गलत ऑब्जेक्शन लगा दिया या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, डिले करने की चक्कर, ऐसा कुछ भी, ऐसा हिमाचल सरकार की नामंशा थी। क्योंकि केंद्र का एक्ट होता है, केंद्र का एक्ट होता है, इसमें एक शब्द हिमाचल सरकार ना ऐड कर सकती है ना निकाल सकती है। और जैसा ही वो केंद्र ने लिखा वैसा ही हमने किया है, हमने किया है। और मैं खुद 28 दिसंबर को केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर से मिला और एक प्रतिनिधिमंडल ट्रांसगिरी हाथी प्लान समिति मेरे साथ मिली। हमने ट्राइबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि ये बहुत छोटा सा इशू है, और उन्होंने, मुझे खुशी है कि हमारे कहने पे, हमारे मिलने पे, हमारे रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने 2 दिन के अंदर जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री ने हिमाचल सरकार को जवाब भेजा और हमने हिमाचल सरकार ने उसको लागू कर दिया। मेरी केंद्रीय मंत्रियों से कईयों से बात भी हुई है। मैं अब आज नहीं कहना चाहता, और मैं उन बातों को, क्योंकि जिस स्तर पर हाथी समिति और भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरे हैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता, मगर इनका जो रोल है, इन्होंने सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के हमको और हिमाचल सरकार को टारगेट करने की कोशिश की है। आज ये जनता के सामने जो है वो नंगे हो गए हैं। आज ये इनका जो है जो असलियत है वो जनता के सामने आ गई है। और आज सबको पता लग गया है कि केंद्र से नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन आने के तुरंत बाद हिमाचल सरकार ने जो है इसको लागू कर दिया। मैं स्वस्थ हिमाचल ट्रांसपुरी क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि इससे जो है बहुत लंबे अरसे जो चली आ रही मांग है वो पूर्ण हो, इससे क्षेत्र के नौजवानों को, क्षेत्र को जो है लाभ होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन योद्धाओं का भी जो आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई 1970s में आरंभ हुई थी। बहुत सारे लोगों के लिए संघर्ष किया, समिति बनाई, सब लोगों ने भी इसका योगदान है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय सरकार का, बीजेपी की गवर्नमेंट का, कि उन्होंने भी केंद्र में इसको लंबे, बहुत लंबे अरसे से जो इशू है इसको इन्होंने सॉल्व करके जो है वो किया। और जैसा कि नाहन चौगान में भी हुई, कई मेरे चुनाव क्षेत्र में भी तरह तरह की बातें करने की कोशिश की गई। जयराम जी अभी कुछ समय पहले आए, जयराम जी अब आए, उन्होंने खुद कहा कि त्रुटि है इसमें, कमी है उसमें, और उन्होंने खुद कहा कि मैं अमित शाह से बात करके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मगर फिर भी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमको इसको राजनीतिक एंगल नहीं देकर, राजनीति इसमें नहीं खेलनी चाहिए। मगर क्योंकि पिछले जो विधानसभा में ट्रांसगिरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसगिरी क्षेत्र के दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में मार खाई है, शायद उनके जख्म जो है वो अभी तक भरे नहीं है और वो उसको भुला नहीं पाया, और इसलिए उनको एक मुद्दा मिल गया था हम पे कीचड़ उछालने का, हम पे आरोप लगाने का। मगर आज सारी की सारी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से सबके सामने जो है आई। ये चंद बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर कोई आपका प्रश्न है कोई, अरे जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, सरकार ने क्या बहुत कुछ रही है पर जमीनी स्तर पर विपक्ष कह रहा है कि भाई कोई भी योजना जो आपकी सिरे नहीं चढ़ती नजर आ रही है, चाहे वो गोबर की बात है, चाहे वो दूध की बात हो, और आप रोजगार की बात करते हैं। सर थोड़ा सा हमें जिला सिरमौर की भी स्थिति से अवगत कराएं कि जिला सिरमौर में रोजगार देने की क्या स्थिति है, और जो आप योजना बता रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो जिला सिरमौर में कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितनों को आपने कंसिडर किया? नहीं देखो, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश का एक साल का कार्यकाल किसी सरकार का कोई लंबा कार्यकाल नहीं होता, और ठीक है हमने वायदे किए थे, मगर हमने ये कहीं नहीं कहा था कि हम पहले 6 साल में इसको पूरा करेंगे। हमने जो 10 वायदे किए थे हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश बरसात के महीनों में कितनी आपदा और कितनी त्रासदी आई, और हिमाचल प्रदेश में 500 से अधिक लोगों की जाने गई हैं, हज़ारों लोगों के मकान नष्ट हुए हैं। हमारी जो सरकारी संपत्ति है, सड़कें हैं, पीने की पानी की स्कीम्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, 10,000 करोड़ से अधिक का जो है नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। और केंद्र से जो हमारी अपेक्षा थी और हमें उम्मीद थी केंद्र से, केंद्र हमारी मदद करेगा,
उस लेवल की केंद्र ने हमारी मदद नहीं की है। तो इस वक्त प्रदेश जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और 75,000 करोड़ रुपए का लोन जो है देनदारी पिछली हमको विरासत में मिली है। हमने किया है। अब आप देखिए कि हमने कहा 1500 रुपये हम पेंशन दें महिलाओं को देंगे। हमने लाहौल स्पीति की जिले की महिलाओं को 1500 रुपये के पेंशन के रूप में शुरुआत कर दी है। हमने कहा था कि हम हर चुनाव क्षेत्र में एक इंग्लिश लेवल का हाई डे बोर्डिंग स्कूल करेंगे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप से 18 चुनाव क्षेत्रों में जहां 50 बीघे ज़मीन दी है वहां उसकी शुरुआत कर दी है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो केजी क्लास नर्सरी क्लास से लेकर के जो है उसकी हमने शुरुआत कर दी है। हमारे मुख्यमंत्री ने हर चुनाव क्षेत्र में एक हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल, हमने कहा था कि हम हर चुनाव क्षेत्र में एक हाई लेवल का हॉस्पिटल करेंगे जिसमें हर प्रकार की फैसिलिटी होगी। हमने हिमाचल सरकार ने 68 चुनाव क्षेत्रों में हर हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई कर दिया है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं और मैन पावर दे रहे हैं, विशेष करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे रहे हैं, क्योंकि अस्पताल जो है वो डॉक्टर्स के बिना स्पेशलिस्ट के बिना चलने वाला नहीं। MBBS के डॉक्टर की आज कमी ही नहीं है हमारे पास, मगर स्पेशलिस्ट की कमी। अभी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे ददाऊ है, चाहे शिलाई का हॉस्पिटल है, चाहे राजगढ़ का हॉस्पिटल है, वहाँ 3-3, 4-4, 5-5 स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग हो चुकी है, चाहे मेडिसिन है, चाहे गायनी है, चाहे पेडियाट्रिक है, पोस्टिंग हो चुकी है। आज हम जो है जो हमने वायदे किए हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ये हमारे हमने जो हर चीज़ बोली थी हमने हमारी पूरी नहीं हुई है, मगर बहुत सारी चीज़ें पूरी। और एक साल का कार्यकाल किसी भी सरकार का जो है कोई कार्यकाल लंबा कार्यकाल। आउटसोर्स को लेकर के जो कर्मी हैं बाहर उनको लेकर के कुछ सरकार करने जा रही है? आउटसोर्स के जो है उसके लिए सरकार ने एक कैबिनेट की सबकमिटी बनाई है और वो उस पर विचार कर रही है कि आउटसोर्स के लिए कोई पॉलिसी स्थायी पॉलिसी बनाई है। तो अब जैसे भी कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उसके मुताबिक आगे का एक्शन लिया जाएगा। साहब, CPS के मामले में जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया उससे सरकार को झटका लगा, आपका क्या राय है? नहीं देखो, अभी तो CPS को हटाने की बात थोड़ी की है। अभी तो सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि भाई वो उनकी कोई स्टे करने की कुछ फैसिलिटी स्टे करने कोई फैसला थोड़ी। अभी तो चर्चा हाईकोर्ट में भी जारी है, अभी उसकी अगली पेशी शायद 12 मार्च को है, उसे नहीं फर्क पड़ता। ऐसे ही डिसीजन एक बार आपने भी फेस किए हैं बारे में जवाब नहीं। चलो, ये तो कोर्ट की लड़ाई है, ये तो सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो दूसरी पार्टी है कोर्ट अपना पक्ष रखेगी और जो भी कोर्ट फैसला देगा उसके मुताबिक जो सरकार को आगे का एक्शन लेना पड़ेगा। मगर अभी जो है ये टेम्परेरी, अभी उन्होंने कोई हटाया नहीं है CPS को, इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा।